बेदावे से तैयार करते हैं सभी स्टूडेंट, देन यू विल बी सेलेक्टेड। आप ऐसे टुकड़े टुकड़े में याद करोगे ना तो कुछ नहीं होगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ, बियर एक्ट में जो असेंशियल पार्ट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको मैं यहाँ से उसमें से निकालता हूँ बाहर, उसको या तो वो टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो उसको थोड़ा सरल करके लिखता हूँ, समझाने के साथ साथ उसे लिखता हूँ, और बस उतना ही आपको याद करना है। एज इट इज पूरा बियर एक्ट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसे याद नहीं कर पाते हो ना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस तरह कंपटीशन बढ़ रहा है उसमें इसी तरह का याद आवश्यक है। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे ही याद हो जाए, क्लास में कितने लोग चाहते हैं, तो चाहत सबकी है। पता है ये केवल तब संभव है यदि मैं कह दूं इससे कि चल पूरा चैप्टर अगला याद कर लीजिए, मेरी गारंटी ये सुना नहीं सकती। कारण है इसके पीछे, ऐसे नहीं सुनाया जा सकता। जैसे हम थोड़ा 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 फीडिंग देते हैं ना, तो वही फीडिंग आपके अंदर चली जाती है और फिर वो बाहर आ सकती है। यही नहीं, कंप्लीट सीआरपीसी, कंप्लीट सिलेबस, क्या कहा मैंने, कंप्लीट सिलेबस। आर यू नॉट इंटरेस्टेड कि हमें भी ऐसे ही सुनाना चाहिए? करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप यहां तक का ना सुना पाए उससे भी कोई असर नहीं पड़ता। अगला सुनाइए। अगले में तीन ही सेक्शन है, अगला चैप्टर सुना दीजिए। लेकिन करना कैसे है, कैसे सुना पाएंगे? एक ही तरीका है, यहां एक बार हम बियर एक्ट को आपके साथ पढ़ते हैं। अब देखो, देखा था ना तैयारी, कोई आदमी ये सोचे कि साहब मेरे को 100 मीटर फर्राटा में दौड़ना है, तो वो कितना ही दम लगा ले और कल 100 मीटर फर्राटा हो रही हो और उसने कोई तैयारी नहीं की है, क्या नहीं किया, तैयारी प्रिपरेशन नहीं की है, तो वो कभी भी नहीं दौड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है। जब आप दौड़ना शुरू करेंगे तो पहले तो दौड़ने में आपके शरीर के जो रोगी अंग हैं, कैसे अंग, रोगी, पहले तो दौड़ने में वो ठीक होंगे। रोगी का मतलब जिनमें दर्द हो रहा है दौड़ने के टाइम, फिर दर्द बंद हो जाता है, फिर दर्द नहीं होता, अर्थात अंगों का दर्द खत्म, उनके रोग भी खत्म, वो स्वस्थ हो गए, और फिर आप दौड़ेंगे, फिर आप अभ्यास करते 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 करते। तो जो लोग इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड कप लेवल पर, ओलंपिक लेवल पर बड़े धावक बनते हैं, उनके पीछे उनके लंबे समय की मेहनत होती है। एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा आपने, उसान बोल्ट। तो बोल्ट ने बहुत लंबे टाइम तक, बचपन से ही वो मेहनत कर रहा था, तब जाके उसने ओलंपिक जीता। यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं वो पता क्या सोचते हैं, कैसे कोर्स खत्म करा दो, क्या हो जाएगा कोर्स खत्म करके। वो देखिए ना, गांव में यहाँ भी होती है क्या रामायण पाठ होता है क्या, 24 घंटे का रामायण पाठ देखा है क्या, 24 घंटे का रामायण पाठ हमारे यहाँ होता है। एक दिन बैठ जाते और एक उठता है तो जैसे कहीं टॉयलेट, तो वो दूसरा गाने लगता है उसको, फिर तीसरा गाने लगता है, और 24 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। रात में भी चलती रहती है, दिन में भी चलती रहती है। तो आप अपने घर पे जाइए और ये जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी किताब, करीब करीब हम आधे पर पहुंच गए हैं, वैसे भी आधी इंग्लिश है आधी हिंदी है, इतनी है, और तो और इतनी इसमें, इतने ये सारे शेड्यूल्स वगैरह दे रखे, तो बची इतनी।
और इतनी में से भी आधी कितनी, आधी इतनी किसी से इतनी, और इतने में से भी 40% पर निकल जाएगा, 60% पढ़नी है इस इतने में से, सिर्फ इतने में से, क्योंकि इतनी ही है हिंदी में या इंग्लिश में, इतनी ही है ये, और इतने में से भी 40% और कम हो जाएगा, तो बचा कितना, करीब करीब इतने पेज, इतने पेज। अब पूरी किताब छट गई, इतने से पेज आपको याद करने हैं। अब आप ये भी याद नहीं करते कर सकते ना, तो फिर सपना छोड़ दीजिए मजिस्ट्रेट बनने का। इससे सरल कोई कंपटीशन नहीं है इस समय जो दिए जा रहे हैं कंपटीशन, जुडिशरी के कंपटीशन से सरल कंपटीशन कोई है ही नहीं। आईएएस और आरएएस का दोगे ना, छू भी नहीं सकते। इससे आईएएस तो कम से कम 10 गुना टफ है, 10 गुना। वो तुम्हें पता है आईएएस से भी ज्यादा तनख्वाह मिलती है आरजेएस को, आईएएस से भी ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। आईएएस को फटकारते रहते नेता, जज को नहीं फटकार सकता कोई। हायरकी में, हायरकी में जज या मजिस्ट्रेट ऊपर है, आईएएस आईपीएस नीचे हैं। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, सरलतम एग्जाम को दे रहे हो। तो 24 घंटे की रामायण पढ़नी है तो पढ़ लो अपने आप जाके घर पे। दूसरी, बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे और उन पे अपने अपने वो डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, सभी डालते हैं। वो आकर्षित करते हैं विद्यार्थियों को विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देके, देखो मैं 1 घंटे में शुरू कर दू, खत्म कर दूंगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा मैं। ये प्रलोभन है स्टूडेंट्स, प्रलोभन में स्टूडेंट आते भी हैं, लेकिन वाकई में भला होता है क्या? हो नहीं सकता। भला होने की प्रक्रिया केवल यही है कि आप धीमे 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 अपनी जो बिल्डिंग है उसे तैयार करें, और वो तैयार एक झटके में नहीं हो सकती। जरूरी नहीं आप 10 सेक्शन रोज पढ़िएगा, एक पढ़िए ना, परफेक्ट पढ़िए, उसमें से जो काम की चीज है उसे निकालिए। मेरा उद्देश्य इसको यहाँ खड़े करके बुलवाने का सिर्फ इतना ही था, इसने बेरेक्ट नहीं बोला, एज इट इज बेरेक्ट नहीं बोला, इसने करीब करीब नोट्स को बोलने का कोशिश की है। नोट्स में से मैं देख रहा था कई चीजें इसने बीच बीच में से छोड़ दी, कोई असर नहीं पड़ता। अब कुछ मूर्ख हैं अभी कमेंट करेंगे रट्टू तोता, अरे बेवकूफ रट्टू तोता नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा, तू करके बताना। ऐसे ही मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले भी डाला हुआ है, कई लोगों ने लिखा, तो मैंने कहा जिसने इतना सुना दिया है तो मैं तेरे को 10,000 का इनाम दूंगा। एक लड़की ने पूरी आईपीसी सुनाई थी, 10,000 रुपये इनाम के दूंगा, तू लिख सकता है रट्टू तोता, और तेरे को मैं 5 महीने आगे के दे रहा हूँ, तू 5 महीने में आके सुना देना, 10,000 रुपये ले जाना मेरे से। पूरी सुनाई उसने, पूरी सुनाने का मतलब एज इज ने शब्द सारे शब्द ना अकॉर्डिंग टू नोट्स जो हमने डिक्टेट कराए वो बात। और मैंने कहा बेवकूफ इसे तू रट्टू तोता बता रहा है, ये मजिस्ट्रेट हो गई, और ऐसे सैकड़ों हो गए, कितने सैकड़ों हो गए इन्हीं प्रक्रियाओं से। तेरा तो मन सिर्फ आलोचना लिखने में है, तू आलोचना लिखता रहे, क्या असर पड़ता है। और इस एग्जाम का नेचर यही है, कल 2 बच्चे खड़े थे नीचे, हमारे ही बच्चे, बंटी से कह रहे होंगे कि साहब ऐसे पढ़ा दो, ऐसे तुम हमें पढ़ाना सिखाओगे कि हम कैसे पढ़ा दें? हमें पढ़ाना थोड़ी सिखाओगे आप, तुम हमसे सीखने आए हो, हमसे सीखो, हमारे अनुभव से सीखो, और इसका कोई विकल्प नहीं है। लॉ को याद करना ही पड़ेगा, ये ठीक है, समझने का पार्ट हम बहुत शानदार तरीके से समझाते हैं, लेकिन ये याद करना ही होगा। जयपुर में 13,000 एडवोकेट है और 400-500 एपीपी जेएलओ और वो करीब करीब 1,000 के आसपास सारे अधिकारियों को माने। एडीजेएम कितने सेलेक्ट हुए? 4, बाकी पास ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? ऐसे ही याद करना पड़ेगा। मैं जो एडीजे की क्लास लेता हूँ उनमें भी मैं उन एडवोकेट्स को ऐसे कहता हूँ, भाई तुम्हें याद तो ऐसे ही करना पड़ेगा। अरे सर कैसे करें? अरे भाई ये तो तपस्या, यही तपस्या तो है, टफ है ही नहीं याद करना, क्या करना है?
कुछ नहीं करना, पहले बेयर एक्ट में से महत्वपूर्ण चीजों को बाहर निकालो जो काम की है, उसकी भाषा को थोड़ा परिवर्तित कर दो। परिवर्तित क्यों? क्योंकि वो कोर्ट्स में काम करने के लिए लिखी हुई है, सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस सब आपके एग्जाम के लिए थोड़ी लिखी हुई है। आपके एग्जाम के लिए तो आपको तैयार करना पड़ेगा, तो उसमें सेंटेंसेस लंबे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं, उनको थोड़ा सा सरल करके आपको लिखना पड़ेगा, जिससे कि माइंड जल्दी से उन्हें अपने मस्तिष्क में रिटेन कर ले। तो वो करो, और फिर उन्हें एक ही काम करना है, रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और फिर अपने आप को ही पूछना है क्या मुझे याद है। जिस सेक्शन को भी आप सोचते हो कि मुझे याद है या नहीं है, सुना दो। किसको सुनाओगे? मोबाइल को सुना दो। मोबाइल आपसे कभी भी मना नहीं करेगा, आदमी मना कर सकता है, शिक्षक भी मना कर सकता है, बहुत देर हो जाए तो मैं भी मना कर सकता हूँ, कह दूंगा जी कल देखेंगे, लेकिन मोबाइल मना करेगा क्या? मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर दो और आप सुनाओगे तो आपने कैसा सुनाया उसको दोबारा बता भी देता है, आपने कैसा सुनाया, आपने कितनी गलतियां की, फिर आप दोबारा उसे सुन लो, एज इट इज रिकॉर्ड कर लेता है। तो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, उस टेक्नोलॉजी का जबरदस्त उपयोग करिए, अन्यथा आज आप आए हो, स्टूडेंट जुड़ते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के कि कोर्स तो पूरा हो गया, चलो हम तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी स्टडी सेल्फ नहीं होती उनकी। मेरे कितने सैकड़ों विद्यार्थी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्या तैयार कर रहे हो, कभी कोई फोन कर लिया मैंने, क्या कर रहे हो? सर बस पढ़ ही रही थी, या पढ़ ही रहा था। क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे। चलो ये बताओ। सर एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी ऐसे ही रिवाइज करते 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 पूरी, तो भी कभी नहीं होगा। तो पक्का याद करो, सुनाओ, शिक्षकों को सुनाओ, टीचर्स को सुनाओ, ऑब्जेक्टिव पेपर्स को दो, सब्जेक्टिव पेपर्स को दो, बस खत्म। इससे आगे और कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन होगा ही, नहीं तो नहीं तो करते रहिए आप। जैसा इसने अभी सुनाया, या जैसा अभी जब भी और भी नेक्स्ट टॉपिक सुनेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप में से और भी तैयार करें। आप एक लाइन सुना सकते हैं ना, तो उसके बाद दो हो सकती हैं, उसके बाद 20 हो सकती हैं, उसके बाद 200 हो सकती हैं, 2000 हो सकती हैं, 20,000 हो सकती हैं, 2,00,000 हो सकती हैं। एक साथ कोई भी इंसान इस दुनिया में 100 कदम नहीं चला, उसे एक ही कदम चलना होता है ना। एक एक लाइन बन के ही तो 1,00,000 लाइनें बनती हैं। और आपका माइंड है ना, सुपर कंप्यूटर है, कितना भी डालो भरेगा नहीं, आज तक ही नहीं भरा, जब से इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है तब से भर रहा है वो इस मस्तिष्क को, कभी भरा ही नहीं। 1-2% में चला जाता है, भरते भरते टाइम आ जाता है तो भर नहीं सकता, मेमोरी को खाली ही छोड़ देते हैं, बहुत है, स्पेस पड़ा रहता है खाली, 99% तो खाली खाली पड़ा रहता है। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर तैयार करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग कौन कौन इस तरह से तैयार करेंगे देखते हैं, ठीक है ना, आपका पूरा सहयोग होगा। तो सिलेबस जितना भी है ना, जो हाईकोर्ट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, हम उसको पूरे को टिप्स पे ला सकते हैं। पता है, जब हमने शुरू शुरू में 2008 में इंस्टीट्यूट शुरू किया, तो 2008 से 2010 तक इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया नहीं चला। 10 में एडीजे की वैकेंसी आई, उसमें इंस्टीट्यूट ने एक झटके में जंप किया, और पूरे राजस्थान में एडीजे का बैच सिर्फ मेरे पास था, कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं, एडीजे कैसे पढ़ाएंगे। और उस समय ज्यादा एडवोकेट भी नहीं थे, 53 स्टूडेंट ही थे एडवोकेट के, और उसी बैच के लोग एडीजे में पास हुए, एग्जाम फिर रद्द हो गया, सेकंड वही एग्जाम फिर 2012 में हुआ, उसमें भी एडीजे के लोग पास हुए, काफी हुए, और उन्होंने भी क्या किया, यही पैटर्न अपनाया। अभी नए बच्चे आते हैं, वो हमें बताते हैं कि भाई ऐसे पढ़ा था, पढ़ाने का मतलब है ये किताबें आपके दिमाग में पहुंचना, और दिमाग में पहुंच चुकी हैं तो तय कर लो, फिर किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपका कोई तरीका है कि आप अपने आप पहुंचा सकते हो अपने दिमाग में ये सारी किताबें, तो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कोचिंग की फीस इतनी ज्यादा नहीं है। आप पहुंचाने पहुंचाने दिमाग में पहुंचाने में आपने निकाल दिए 5 साल, कितने 5 साल, 5 साल बाद आप सिलेक्ट भी हो गए, तो
कितना नुकसान किया, हर साल कितने पैसे मिलते हैं मजिस्ट्रेट को, 5 साल में कितने मिले, तो कम से कम 70-80 लाख रुपए का नुकसान होगा 5 साल में। इसी वजह से ये बैचेस शुरू किए कि LLB से ही स्टूडेंट्स को लेना शुरू कर दिया। ये मैंने ही किया शुरू, यहाँ पहले कोई नहीं लेता था, कोई सिस्टम नहीं था, इसीलिए कॉलेज शुरू किया, 5-ईयर लॉ शुरू किया, 3-ईयर लॉ शुरू किया, यूनिवर्सिटी शुरू की, इसीलिए किया कि शुरू से ही लेंगे जो हमारे इच्छा के वाले हैं, जो हमारी बात मानकर। सिर्फ टारगेट ये है कि भाई हमें जुडिशरी में जाना है। किसी NLU से एक बच्चा दो बच्चा पास होते हैं, इतने इतने 40-40 जने पास हो जाते हैं, कैसे? ये NLU तो बहुत बड़ा कैंपस होता है, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, हम तो उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, उन्हें तो शानदार अंग्रेजी बोलना आता है, हम तो उनमें कहीं नहीं लगते, लेकिन वो रिजल्ट नहीं ला के दे सकते, ये मेरी गारंटी है। वो फर्राटेदार बोलेंगे, दिखाएंगे, टाई वाई लगाएंगे, हम तो टाई वाई भी, हमें टाई बांधना ही नहीं आता, आता तो है पर मैं पहनता नहीं हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमें इस मामलों में महारत हासिल है, लेकिन अकेले टीचर की महारत कोई काम नहीं कर सकती। मान लो मैं ये रोजाना लिखता रहूं, बोलता रहूं, पूछता रहूं, तो क्या होगा, मैं ही बलवान बनूंगा। भाई कोच मैं हूं, खिलाड़ी आप हैं, अब हो क्या रहा है, खिलाड़ी मैं बन जाता हूं, मैं ही दंड बैठक लगाता रहता हूं, आप दर्शक बने बैठे रहते हो देखते। अरे ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको खिलाड़ी ही बनना होगा, दर्शक बने रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने पहली बार ही टीचर्स को रखा, टीचर डेवलप हो जाते हैं, टीचर थोड़े दिन बाद ये सोचने लगते हैं अब तो हम डेवलप हो गए, अब तो पता नहीं आने हम क्या कर लेंगे। हम बताते हैं भाई ऐसे कराओ, ऐसे कराओ, ऐसे कराओ, फिर उन्हें लगता है कि नहीं अब हम सीख गए, परफेक्ट हो गए। अरे नहीं होते भाई परफेक्ट, इतनी जल्दी परफेक्ट होना बहुत टफ काम है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए मैंने कल आपको ये चुनौती दी थी कि आपको ये पक्का याद करके आना, लेकिन आप करके नहीं आए, एक लड़की याद करके आई। इसके बावजूद भी मैं बहुत देर से नीचे बैठा बैठा ये सोच रहा था कि क्या होता, जैसे सर आ रहे होते हैं पूछेंगे, तो क्लास में फटाफट बार बार याद कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो मैंने कहा चलो ये टाइम थोड़ा सा और दे दो, और दे दो, और दे दो, मैं जानबूझ के नीचे से ऊपर लेट उठ के। क्लास का मेन काम क्या है कि ये किताब यहाँ पहुंच जाए, और ये किताब बाहर ही रही और यहाँ कुछ ना पहुंचा तो टीचर बकवास। एक तो स्टूडेंट ने कहा हो अपने किसी अपने पिता से, हमारे यहाँ पढ़ता हो CRPC, हर बार CRPC पढ़ा रहे, गुंजन मैडम ने पढ़ा दी, दीपक सर ने पढ़ा दी, और फिर पढ़ा रहे। अरे बेवकूफ़, याद है क्या? पढ़ाने का मतलब तेरे को आती है तो तेरे को कोई ज़रूरत नहीं उस क्लास में बैठने की। अब हम एक प्रश्न पूछते हैं, एक सेक्शन पूछते हैं, आता तेरे को है नहीं। जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना मैं, जैसे यहाँ लिखने के बाद पूछता हूँ, इट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम ओनली। जो एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा घुमा के पूछता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव की तैयारी है। प्रिलिम्स, और प्रिलिम्स क्या है? प्रिलिम्स एक क्वालिफाइंग टेस्ट पेपर है। कैसा क्वालिफाइंग? किस बात के लिए है वो? सिर्फ आप एग्जाम देने लायक हो। प्री किस लिए होता है? आप एग्जाम देने लायक हो या नहीं, एग्जाम तो मेन का ही होता है, और ये सब इतना कराता हूँ ना धीमे 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 गति से, ये मेन के लिए तैयार कराता हूँ, मेन वाले में से ही आता है। जिसने मेन तैयार कर रखा है वो प्रीलिम्स में फेल नहीं होता, उसके 90% आते हैं, और जो प्री की तैयारी करते हैं वो कभी कभी मेंस दे पाते हैं, वो प्री में ही फेल हो जाते हैं, लुढ़क जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई प्रीलिम्स नहीं, मेंस ही पढ़ाएंगे हम तो आपको। अजी सर हमें तो अभी एक बार प्री तो कर लें, फिर देखेंगे मेंस को, सोचेंगे तब बहुत टाइम रहेगा। अरे भाई मेन तैयार कर ले, प्रीलिम्स तेरे को सोचना ही नहीं है, सोच ले मेन तैयार कर रखा है मेन एग्जाम, तो ये सोच ले कि आज पेपर है, पूरी रात आराम से सोना, सुबह प्रवेश पत्र लेके और एग्जाम दे आना, पास हो जाएगा, रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं है, गारंटी है पास होगा। फर्स्ट पॉइंट JMFC और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय CJM मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस ऑन कंप्लेंट, ए ऑन कंप्लेंट, बी पुलिस रिपोर्ट, सी
सी अपॉन रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर और सुओ मोटो अपॉन हिज ओन नॉलेज. सेक्शन 191 ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज्ड. इफ अ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190 क्लॉज 1C then the accused shall be informed that he is entitled to try or inquire his case by any other magistrate, and in that case if accused or more than one accused are there, if they objects further proceeding, then the case shall be tried by another magistrate. 192 making over of cases to magistrates. The CJM, after taking cognizance, may make over a case to any competent magistrate, or a JM, judicial magistrate of first class, also after taking cognizance may make over case to any other competent magistrate. 193 court of cognizance by court of session, cognizance of offences by court of session, except as otherwise expressly provided by this court, no court of session shall take cognizance of any offence as court of original jurisdiction, except unless and until the case is committed to it by magistrate, by any magistrate. 194 additional assistant session judges to try cases make over to them. So additional and assistant session judges shall try cases make over to them by session judge by general special order or by high court by special order. 195 prosecution for contempt of lawful authority of public servant for offences against public justice, and offences relating to documents, documents relating to offences, documents relating to for documents relating to for offences against public justice, and for documents and for offences relating to documents given in evidence. Clause 1 says that no court shall take cognizance of offence under section 172 to 188 IPC, abatement, attempt to commit criminal conspiracy, except on complaint of concerned public servant or his senior officer to whom he is subordinate. Then next point says that no court shall take cognizance of any offence under section 193 to 196, 199, 200, 205 to 211, 228 of IPC, criminal conspiracy, abatement, attempt to commit, and 463, 471, 475, 476 of IPC, except on complaint of concerned court or the court to which such court subordinates. Then withdrawal of second clause. Second clause, withdrawal of complaint, on receiving the complaint by any public servant, the officer to whom such a public servant subordinates may also withdraw such complaint. In that case, copy of that order shall be sent to the magistrate and no further proceedings shall take place. But such withdrawal of complaint shall not be made when the trial is concluded, after trial is concluded by the court of first instance. The next point, the third clause says that the court includes civil court, criminal court, revenue court, etc. Fourth clause says about the court to which the court under subsection 1 clause B subordinates, that includes the court to which an ordinary appeal, to which appeal ordinary lies. If appeal lies to more than one court, then inferior appellate court. If appeal lies to civil and revenue court both, then according to the nature of the proceedings it shall be decided. Section 195A, procedure for witness in case of threatening of witness, in case of threatening, etc. So the witness shall make a complaint in the court if any offence is committed against him under section 195A of IPC. 196, prosecution for offences against the state and criminal conspiracy to commit such offence. No court shall take cognizance of any offence committed under chapter 6 of IPC, section 153A, 295A, and clause 1 of 505
until sorry without without the sanction of central government or state government, next next or any abatement under 108A bhi hai sir yahan pe, and criminal conspiracy. Then next point says that no court shall take cognizance of any offence under section 153B IPC and clause 2 and clause 3 of 505 without sanction of central government, state government or DM. Next point says that if any offence committed against under any person under section 120B IPC, then consent is required by the state government or DM, but consent is not required if the offence is punishable with death, LI or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards, and consent is also not required if criminal conspiracy is done under section 195 of CRPC. The next point says that central government, state government or DM, before granting sanction, may also order any police officer not below the rank of inspector to make preliminary investigation of the case. In that case, he shall have the powers of a police officer given under section 155 clause 3 of CRPC. Next, 197, prosecution of judges and public servants. No court shall take cognizance of any offence committed by any judge, magistrate or public servant in discharge of his official duty. In discharge of his official duty. Under the section is granted, if such officer is in service of union, then sanctioned by central government, if related to the affairs of the state, and sanctioned by state government. If proclamation presidential given under Article 356, clause 1, Constitution, then sanction shall be given by the central government. If there are certain offences in which sanction is not required. These are 166A, 166B, 354, 354 ABCD, 370, 375, 376, 376A, AB, C, D, DA, DB, and 509 of IPC. Then next law says that if any public servant is under armed force, then sanction is required of the central government. If he is not in armed force, any other force, then the sanction required by state government. The proclamation under Article 356, clause 1 of the Constitution, there, then sanction required by the central government. Then the then section 198, prosecution for offences against marriage. There are no court shall take cognizance of any offence. No court shall take cognizance of any offence committed under chapter 20 of IPC, except upon complaints of the aggrieved party. Proviso A, if such person is under 18 years, or aged or inactive, or unable to make complaint due to sickness or infirmity or a payment due to local customs and manners, unable to make complaint, then any other person may make a complaint. Proviso B, if aggrieved party under this section is husband, to whom leave cannot be granted by a commanding officer, then husband may authorize any other person to make complaint on his behalf. C says that his wife is then complaint may be filed by his father, mother, brother, sister, son, daughter, anyone related by blood, marriage or adoption. Next point says that to be aggrieved of the no one other than husband shall be deemed to be aggrieved at IPC, and in that case the complaint shall be filed by the aggrieved husband or anyone who takes care of his wife. If complaint is filed by any person under age of 18 years, idiot or lunatic, on behalf of any person under 18 years or idiot or lunatic, then in that case the magistrate shall also send a notice to the guardian who is appointed or declared for that person. And in case if the husband is making complaint under proviso B, then
statements and certificate shall be given by the commanding officer that the husband that leave is not granted to the husband, and that those reports and those certificate and statement shall be deemed to be genuine and shall be admitted in evidence also. In case any offence under section 376 is committed to a wife under 18 years of age, then magistrate shall not take cognizance if 1 year has elapsed from the commission of the offence. Then section 198A, prosecution for offences under section 498A IPC, no court shall take cognizance of any offence committed under section 498 IPC. Except on police report or on complaint, by the victim or by his father, mother, brother, sister, fathers, or anyone related by blood, adoption, or marriage. For 198B, except on complaint of the party aggrieved, but his proviso says that if any person against whom the offence is committed is under 18 years of age or idiot or lunatic, or who is unable to make complaint due to sickness or infirmity, or women who due to local customs or manners unable to make complaint, then any other person may make a complaint on his or her behalf. Then next is if any offence under the sections committed against any person who is president, vice president, governor, minister, administrator, public servant, then in that case the court of session may take cognizance of that offence directly without the case being committed to it by a magistrate and on complaint of PP. PP shall make complaint only on sanction of central government or state government as the case may be, and no court shall take cognizance of the offence under subsection 2 if 6 months has elapsed after the commission of the ताली बजा देने के लिए। अच्छा तैयार किया इसने, और मेरा कहना है कि ये एक चैप्टर है, यदि सारी सीआरपीसी ऐसे ही सुनानी हो